महाराज, आपके आदेश अनुसार आपके दिए गए समय पर ना पहुंच पाना ये मेरी भूल है। यदि इसके कारण आप मुझे इस कसौटी के लिए अयोग्य करार दे तो स्वीकार है मुझे। मेरे मन को इस बात का दुख होगा महाराज कि आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर पाया, परंतु एक सैनिक के कर्तव्य का पालन करने का गर्व है मुझे। किंतु बाजीराव, आपकी चाल कुछ और कह रही है। नशे से भरी आंखें बता रही हैं कि आपने कल रात कौन से कर्तव्य का पालन किया है। चंदा, हम जानते हैं हम तुम्हें बहुत मुश्किल इम्तिहान से गुजरने के लिए कह रहे हैं। अगर किसी को पता चल गया कि हमारी जगह तुम हो तो तुम्हारी जान पर बनाएगी, पर हम क्या करें? हमारा रिश्ता बहनों जैसा है, पर यहाँ बात देश की है। और चंदा, देश हर एक रिश्ते से बड़ा होता है। तुम हमारी मदद करोगी ना चंदा? चंदा को हमारे लिए खाना लाने की इजाज़त देकर तुमने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है, और हम इस एहसान की कीमत चुकाना जानते हैं। जब तक तुम खामोश रहोगे ऐसे ही कीमत मिलती रहेगी। शिव 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 महाराज। बाजीराव, आपने दरबार में इस अवस्था में आकर इस दरबार की मर्यादा और महाराज के विश्वास को खंडित किया है। मदिरापान के प्रभाव में जो स्वयं सीधा नहीं चल पा रहा वो देश को कैसे चलाएगा महाराज? मदिरा प्रसन्न नहीं किया है भाव ने। महाराज, भाऊ को किसी ने नशीली दवाई पिलाई है। शिव 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 महाराज, वाची माजी वाह, चांगली गोष्ट है ना। देश के सबसे बड़े वीर को किसने विषैली औषध पिला दी और इन्हें पता भी नहीं चला। चलो मान लिया कि आपकी बातें सत्य है, और यदि ये सत्य है तो बहुत ही भयानक सत्य है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने आप को ऐसे छोटे से षड्यंत्र से नहीं बचा पाया देश को षड्यंत्र से क्या बचाएगा? बाजीराव, हम आपके इस व्यवहार का कारण जानना चाहते हैं। महाराज, महाराज हमें जाने दीजिए, जाने दीजिए हमें। महाराज, महाराज से नहीं जा सकते आप लोग अंदर। हमें जाने दीजिए। जाने दो। महाराज, हमें नहीं पता पेशवा क्या होता है, उसे क्या करना होता है, पर हम इतना जरूर जानते हैं कि अगर बाजीराव पेशवा बनना चाहते हैं तो उनसे अच्छा पेशवा और कोई नहीं बन सकता। उन्होंने अपनी जान संकट में डालकर हमें दरोड़ेखोर से बचाया है। महाराज, गंगाधर जी को मात्र कसौटी की चिंता थी, लेकिन बाजीराव को हमारी चिंता थी। भाऊ, अगर आप चले गए तो पेशवाई की कसौटी का क्या होगा? मेरे लिए पेशवाई से पहले मानवता की कसौटी पर खरा उतरना आवश्यक है। बाजीराव हमारे नायक है, नेता है और पेशवा है।
गंगाधर जी, क्या आपको अब भी लगता है कि बाजीराव को किसी कसौटी पर परखने की आवश्यकता है? पर महाराज, कसौटी अभी हुई कहां है? यही तो कसौटी थी। आपके गांव के किसी भी बच्चे को खरोच तक नहीं आएगी, यह वादा है हमारा आपसे। और भविष्य में किसी भी मां को यह दुख ना सहना पड़े, इसलिए सही व्यक्ति का चयन करने में हमें आपकी मदद की आवश्यकता है। आप गंगाधर जी और बाजीराव के पास अपनी समस्या लेकर जाइए, और हां, उन्हें पता नहीं लगना चाहिए कि हमने आपको भेजा है। जी। अनुभव समय से आ जाता है और राजनीति सीखने से आ जाती है। और किसी के लिए भी अपना पद, अपना जीवन दांव पर लगा देने की भावना सिखाई नहीं जाती। गंगाधर जी, हमने वर्षों पूर्व पेशवा बालाजी में ये गुण देखे थे। बालाजी, ये पद औरों के लिए पुरस्कार होगा, पर आपके लिए ये एक दायित्व है। अनि फिर कभी आप अपने दायित्व को छोड़ने का प्रयास मत कीजिएगा। और आज स्वयं से अपने कर्तव्य को ऊपर रखकर बाजीराव ने यह सिद्ध कर दिया है कि वह स्वर्गीय बालाजी भट्ट के प्रतिबिंब हैं। पेशवा वही बन सकते हैं जिनका तन मन धन जीवन राज्य के लिए समर्पित हो, और ऐसे उम्मीदवार केवल बाजीराव हैं। इसलिए हम बाजीराव बल्लाल भट्ट को हमारा नया पेशवा घोषित करते हैं। बच्चे की असली पाठशाला उसकी आई होती है। याद रखिए, संतान पतंग है तो आई डोर, डोर जिधर चाहेगी पतंग को उसी ओर जाना होगा।
भट्ट जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सहयोग और समर्थन नहीं होता तो राव पेशवा नहीं बन सकते थे। पता नहीं क्यों हमें ऐसा लगता है कि पेशवा बाजीराव हमें वो सम्मान नहीं देंगे जो सम्मान कभी पेशवा बालाजी दिया करते थे। पेशवा बालाजी सबको साथ लेकर चलते थे और पेशवा बाजीराव सबसे आगे चलते हैं। भट्ट जी, सारथी रथ के आगे नहीं बैठेगा तो रथ आगे कैसे बढ़ेगा? पेशवा बाजीराव और आपकी सोच अलग है पर आपका संकल्प तो एक ही है जी। आप चिंता मत कीजिए। रही बात नए पेशवा साहेब के अपने पिता की 13वीं से पहले घर से बाहर जाने की भूल की, तो उसके प्रायश्चित के लिए जो भी अनुष्ठान करना है उसकी सारी तैयारी हम कर चुके हैं। दान धर्म ये दो शब्द एक साथ लिए जाते हैं। आप धर्म की चिंता कीजिए, दान की चिंता हम पर छोड़ दीजिए। धर्म तो हम संभाल लेंगे भाई साहब, पर पेशवा साहेब का कर्म आपको ही संभालना होगा, क्योंकि पंत जैसा शत्रु उस पुराने रोग की तरह होता है जो थोड़ी देर के लिए दब तो जाता है किंतु समय आने पर उभरता अवश्य है। ये जलने की बदबू कैसे, ये धुआं कैसा? चलो पिताजी, आंखें खोली, पिताजी आंखें खोली। क्या हो रहा है? और ये धुआं कहां से आ रहा है? जी, हमने पूछा ये धुआं कहां से आ रहा है? आप इतनी सी बात पर परेशान क्यों हो रहे हैं राजकुमार? लगता है नीम के पत्ते हैं, किसी ने मच्छर दूर करने के लिए जला दिए होंगे। और आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? हमने कहा था ना महाराज के कक्ष के बाहर से एक पल के लिए भी नहीं हटना, आगे से ध्यान रहे। पिताजी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम अपने प्राण दे देंगे पर आपको कुछ नहीं होने देंगे। आपको ठीक होना होगा, हमारे लिए, हमारी अम्मी के लिए, बुंदेलखंड के लिए। इससे घोर कलयुग क्या होगा पंत, जब बूढ़े बरगदों को पौधों की छाया तले रहना पड़े। 19 वर्ष का ये लड़का हम पर हुक्म चलाएगा, आप सुन भी रहे हैं हम क्या कह रहे हैं? कुछ करेंगे या संसार त्याग कर भगत बन गए हैं? सिर्फ आंखें मूंदने से भगोला भगत नहीं बन जाता, वो तो सिर्फ मछली के असावधान होने की प्रतीक्षा करता, हम भी वही कर रहे हैं। जैसे ये मछली असावधान हुई हमारे जाल में फंस जाएगी। स्मरण रहे पंत, जाल में मछलियां फंसती हैं मगर मच्छ नहीं। चतुर की चतुराई का जाल ये मगर तो काटने से रहा, बल्कि उसके बस में भी नहीं। आप देखते रहिए चतुर की चतुराई इस वीर की वीरता को कैसे काटती है। We'll be right back.
आज से बाजीराव बल्लाड़ भट्ट हमारे नए पेशवा है। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। छत्रपति शाहू जी महाराज की जय। पेशवा बाजीराव बल्लाड़ भट्ट की जय। पेशवा बाजीराव बल्लाड़ भट्ट की जय। मैं आदरणीय शाहू जी महाराज का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे पेशवा पद के योग्य माना। पेशवाई मेरे लिए मात्र पद नहीं, मेरा प्रयास है, मेरी जिद नहीं, जिम्मेदारी है, जिसे मैं अपने प्राण देकर भी निभाऊंगा। हमारे उत्तर में मुगल, दक्षिण में निजाम कमरुद्दीन जैसे प्रबल शत्रु है। राजनीति कहती है कि हमें हमारी सुरक्षा व्यवस्था इतनी सुदृढ़ करनी होगी कि शत्रुओं का भय हमारे मन से मिट जाए, पर मैं कहता हूं कि हमें शत्रुओं पर ऐसा आक्रमण करना होगा कि वो इस देश से मिट जाए। हमें अपने मन में सावधानी नहीं, शत्रुओं के मन में भय उत्पन्न करना होगा। और यदि महादेव ने चाहा तो इस भय की शुरुआत अटक से होगी। जल्द ही अटक की दीवारों पर केसरिया रंग का परचम लहराऊंगा। हर हर महादेव। श्रीमान, क्षमा चाहते हैं, पर कसौटी जीतकर आप पेशवा तो बन गए, पर आपकी सोच अभी तक सैनिक की है। पेशवाई मात्र युद्ध लड़ने जीतने का गणित नहीं होता। पेशवाई एक राज्य का प्रशासन चलाने की कला होती है। पेशवा के हाथ में सदा तलवार नहीं रहती, तराजू भी रहता है। देश युद्धों से आगे नहीं बढ़ता, देश शांति से आगे बढ़ता है। आपने युद्ध करना सीख लिया, अब आप शांति स्थापित करना भी सीखिए। गंगाधर जी, शास्त्रों में कहा गया है कि कड़वी औषधि देने वाला वैद्य और कड़वी बातें करने वाला निंदक व्यक्ति के सबसे बड़े हितैषी होते हैं। आप मेरे भले के लिए ऐसी कड़वी बातें करते रहिए और मैं आपकी आलोचना को औषधि समझकर ग्रहण करता जाऊंगा। महाराज, केवल गंगाधर ही नहीं, यहां कई लोग हैं जो इस 19 वर्षीय नवयुवक पर आपके विश्वास को गलत साबित करने की प्रतीक्षा में हैं। उनकी प्रतीक्षा कभी समाप्त नहीं होगी ज्योतिया जी। हमने तो बाजीराव को पेशवा बनाने का निर्णय बहुत पहले ही लिया था। ये कसौटी तो जनता को यह दिखाने के लिए थी कि जो निर्णय हमने लिया है वो सही है। योग्यता आयु की मोहताज नहीं होती ज्योतिया जी। हमें पूर्ण विश्वास है कि बाजीराव कभी भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे हमारा विश्वास खंडित हो जाए। बाहु, सासवड़ चलने की तैयारी हो चुकी है। भाऊ, ये आप क्या कर रहे हैं? इस तलवार के एक तरफ तो धार है, फिर दूसरी तरफ धार क्यों लगा रहे हैं? जी, मैं हाथ देना तेरा।
रक्त बहाया तेरा तूने उफ तक नहीं की, क्यों? क्योंकि रक्त भले ही मेरा बहा हो पर इस पर अधिकार आपका है और हमें विश्वास है कि आप आपका अधिकार व्यर्थ नहीं बहाएंगे। श्रीमान चिम्माजी साहिब, छत्रपति शिवाजी महाराज के अखंड स्वराज का सपना मेरा नहीं हमारे परिवार का है, इसलिए मेरा पेशवा बनना मेरी नहीं हमारे परिवार की इस रक्त धारा की विजय है। हम दोनों की रगों में एक ही खून है, दो शरीर एक प्राण है हम चिम्माजी साहिब। इस पूरे संसार में सबसे अधिक विश्वास तुझ पे है मुझे। शाहू जी महाराज ने सत्य कहा था, पेशवाई के लिए शस्त्र भी चाहिए और शास्त्र भी। इसलिए आज से मैं शस्त्र संभालूंगा और तू शास्त्र संभालेगा। बाहर के शत्रु को मैं रोकूंगा, अंदर के संकट को तू। आज से हम दोनों दो नहीं एक है चिमड़ा। हमारे बीच जितने मतभेद हो लड़ाइयां हो पर याद रखना तेरे बिना मैं कुछ नहीं हूं और कुछ नहीं हो सकता। अहो आपने हमें जो दायित्व सौंपा है उससे हमारा मान बढ़ गया है, इसे हम कभी गिरने नहीं देंगे। चाहे संसार इधर का उधर हो जाए आपका साथ हम कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं। बहिनी आप कर क्या रही है? अब हम पेशविन बाई हैं, इसलिए पेशविन बाई की तरह चलना सीख रहे हैं। हम तो सोच रहे थे कि इस राज्य के सबसे बड़े चित्रकार को बुलाकर ऐसे गर्व से खड़े हुए एक चित्र बनवाएंगे। रकमा, चित्र बनाने में कितना समय जाता है? 20-30 दिन तो लग जाएंगे ताई साहब। कब आई मुझे हमें 20-30 दिन तक ऐसे खड़े रहना पड़ेगा? रकमा, हम अगर ऐसे खड़े रहेंगे तो हमारी तो गर्दन ही अकड़ जाएगी। वही नहीं, 30 दिन एक साथ खड़े नहीं रहना होगा, बीच बीच में आप हट भी सकते हैं, है ना? हम तो सोच रहे थे कि हम ऐसे ऐसे खड़े रहेंगे। देवा देवा देवा, ये पेशविन भाई जैसा बनना बड़ा ही कठिन है, हमसे ना होगा। पेशविन भाई जैसा होना इतना कठिन है तो सोचिए कि पेशविन भाई होना कितना कठिन होगा। आप अपने जोश में भूल रही हैं कि मात्र आप पेशविन भाई नहीं बनी, मेरे भाव भी पेशवा बने हैं। पत्नी के रूप में तो आप अपने बारे में ही सोचती रही, अब पेशविन भाई बन के थोड़ा पेशवा साहिब के बारे में भी सोच लीजिए। ताई, आपको किसने कह दिया कि हम मात्र अपने बारे में सोचते अपने पति के बारे में नहीं सोचते? हम तो राव के बारे में इतना सोचते कि वो मुगलों से अधिक हिचकियों से परेशान रहे होंगे। आई साहब कहती है कि एक पत्नी को अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए, पर हमने एक पूरी पुस्तक उनका नाम लिख के भर दी है, और आप कहती है कि हम अपने पति के बारे में नहीं सोचते हैं। मेरी बात पे रोने की जगह विचार करिए वहिनी। ननद ये बात कह रही तो बुरा लगा, यही बात अगर संसार कहे तब? संसार तो तब कहेगा ना जब आप उसे कहने का कोई अवसर देंगे। आप तो स्वयं ही इतना कुछ कह देती है कि बाकियों के पास कहने के लिए कुछ बचता ही नहीं है। जितनी बुद्धि और प्रयास आप मुझसे तर्क करने में लगा रही हैं, उतना पेशेंट भाई बनने में लगाए तो संभव है बन भी जाए।
मेरा कर्तव्य आपको स्मरण कराना है कि पेशेंट भाई को बहुत सारे बलिदान देने पड़ते हैं, पर आपको तो बलिदान देने की आदत ही नहीं है। टालनी भी नहीं है, क्योंकि हम ना किसी का अधिकार छीनते हैं ना अपना अधिकार छोड़ते हैं। मैं तो यहाँ आपको समझाने आई थी वहीनी, बाकी आपकी मर्जी। वहीनी, रोकर भीवताई की बात को सत्य मत कीजिए, बल्कि दृढ़ बनकर उनकी बात को गलत सिद्ध कीजिए। जब आप अपनी जिम्मेदारियां उठा लेंगी तो सिर्फ भीवताई की नहीं बल्कि भाऊ के आंखों में भी आपका सम्मान बढ़ जाएगा। आरती की थाल तैयार कर दी, हमसे तो प्रतीक्षा ही नहीं हो रही कि कब हम उनकी आरती उतारेंगे। हम उनके पत्नी हैं, पेशविन भाई हैं, उनकी आरती उतारना हमारा दायित्व है ना? धन्यवाद। आपका स्वागत है पेशवा साहिब। धन्यवाद पेशविन भाई। भाई साहिब कहाँ है? पिताजी आंखें खोलिए। फरमासा, अगर महाराज को होश आ गया तो है? आप चिंता मत कीजिए राजकुमार, आपके पिता को इतनी जल्दी होश नहीं आएगा। और ये मत भूलिए कि ये हमारे पति हैं, इसलिए हमने जो इन्हें विष दिया है वो इनके प्राण नहीं लेगा। हाँ, पर इतना कमजोर अवश्य कर देगा कि ये बस अपनी परछाई बनकर रह जाएंगे। महाराज को क्या लगा था कि वो आपकी जगह अपने छोटे बेटे हृदय शाह को राजपाट सौंप देंगे और हम चुप रहेंगे? हमने इनकी औषधि की मात्रा कम कर दी है, इससे महाराज की स्थिति सुधरने के बजाय और बिगड़ जाएगी। इस बीच आप मंत्रियों से समर्थन ले लीजिए और बंगश की सेना का डर दिखाकर उन्हें अपना राज्याभिषेक करने पर विवश कर दीजिए, इससे पहले कि हृदय शाह को फनक भी पड़े।
आप बुंदेलखंड के महाराज बन चुके होंगे। पर अगर राजवैद्य को इस षड्यंत्र के बारे में पता चल गया तो है? सिंहासन बलि मांगते हैं जगतराज। अगर राजवैद्य को पता चल गया तो उनकी भी बलि चढ़ जाएगी। यशस्वी भव। आई मुझे आशीर्वाद दीजिए ऐसा। इस राज्य का पेशवा बनकर मैं बाबा की विरासत को संभाल सकूं। तो खुश है ना ही? बहुत। मस्तानी साहिबा, आपको तो रानी साह ने नजर बंद करने का आदेश दिया था। हम आपके पाँव पड़ते हैं, आप एक बार हमारी बात सुन लीजिए। अगर फिर आप सैनिकों को बुलाना चाहेंगे हम आपको मना नहीं करेंगे। मस्तानी साहिबा, आप उठिए। रानी साह, अभी तो राजवैद्य जी ने द्वार बंद किया था, फिर खोलने में इतना समय क्यों लग रहा है? रानी साहब, आप और यहाँ आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं राजवैद्य जी? यदि राज की महारानी स्वयं चलकर मेरी कुटिया तक आएंगी तो पल भर के लिए तो मैं स्तब्ध ही रह जाऊंगा। आपने कष्ट क्यों किया? मुझे बुलवा लिया होता। बुला तो लेते, पर महलों की दीवारों के कान बहुत तेज होते हैं राजवैद्य जी, इसलिए बात करने के लिए हमें स्वयं यहाँ आना पड़ा। रानी साहब, आइए। लाइए, हम कर देते हैं। इस सम्मान के योग्य आप ही ने मुझे बनाया है साहिब, फिर इस सम्मान को आप स्वयं अपने हाथों से सर पर रख दीजिए। जैसे बचपन में बाबा की पगड़ी अपने हाथों से रखी थी, ठीक वैसे ही। अभी अब बहुत बड़े हो गए हैं हमारे हाथ। पुत्र केवल आई से ऊंचा हो सकता है आई साहिब। बड़ा कभी नहीं।
यशस्वी भव। आज आपके लिए बहुत बड़ा दिन है, ये खा के जाइए। ये किस लिए राहु? आज सिर्फ मेरे लिए नहीं आई साहिब, हमारे परिवार के लिए और आपके लिए भी बहुत बड़ा दिन है। सूर्य का उगना सिर्फ सूर्य की ही नहीं, सुबह की भी जीत होती है। पेशवा बन गए पर अनुशासन नहीं आया। नए पेशवा यदि समय पर सभा में नहीं पहुंचे तो पहले ही दिन विलंब से पहुंचने का अपयश मिलेगा। श्रीमंत, आपकी अनुमति हो तो सभा शुरू की जाए। हो जी मैं साहिब, बस आ। लगता है श्रीमंत की समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कहें। आपने सही कहा गंगाधर जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कहूं, क्योंकि पेशवा मैं कहने के लिए नहीं करने के लिए बना हूं। इस समय अखंड स्वराज बहुत बड़े संकट से घिरा हुआ है। एक तरफ निजाम हमारे शत्रु बन बैठे हैं और दूसरी तरफ कोंकण में सिद्धष्ट हबशियों का बल भी बढ़ रहा है। पर कांटा चूहा है, गड़ा नहीं है। इससे पहले कि गड़ जाए हमें उसे तोड़ना होगा।